हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन नेक्स्ट इसी चैप्टर का अपन नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेक्शन फॉर्मूले के बेस पे है। ठीक है, जो मैंने थ्योरी बताई वैसे ही सिमिलर टू क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसी को अपन सॉल्व करते हैं। कुछ इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही आपको पूछे जाते। अब ये क्या बोला है, व्हाट रेशियो दिस पॉइंट विल बी डिवाइड दिस लाइन। क्लियर, तो एक बोला है एक ये एक बी पॉइंट। ठीक है, बी सपोज माइनस टू कॉमा थ्री, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सॉरी, ए बी को बोला ना, तो बी इसको ही मान लेता हूँ। फाइव कॉमा सिक्स, ये आपका आ गया टू कॉमा माइनस थ्री। एक पॉइंट दिया पी, इसके बारे में बोला कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो अपन ने मान लिया के रेशियो वन में। क्लियर, ठीक है। अब ये बोला कि ये पॉइंट पी कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कॉमा जीरो, मतलब वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। क्लियर, अब मैं इस फॉर्मूले से आपका सॉल्व करता हूं, इस फॉर्मूला लगा के। तो फॉर्मूला लगाऊं तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो पी के कोऑर्डिनेट आने चाहिए फाइव के प्लस वन प्लस टू अपॉन के प्लस वन कॉमा, इधर देखो सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन। क्लियर, ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है सर, अब बताओ ये दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो अब ये बोला है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो करना है, तो अपन वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर देते, यही करता है वो, सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो सिक्स के इक्वल टू थ्री, तो के इक्वल टू क्या आ गया डियर, वन बाय टू। तो बड़ा आसान आंसर आ गया, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये, वन रेशियो टू में। बड़ा इजीली आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज यही वाई एक्सिस बोला होता था, अपन कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो करते, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कर लेते। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसने बोला है कि लाइन, इस ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो वही बेटा अपना सेम तरीका है, ए बी ले लो, पी पॉइंट ले लिया मैंने, के रेशियो वन में डिवाइड कर दिया, ए पॉइंट क्या है 1.3, बी पॉइंट क्या है 2.7। ठीक है, तो अब पी कोऑर्डिनेट निकाल दो अपने, ये इधर ये इधर, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। क्लियर, ये अब देखो सबसे बड़ी बात इसने क्या बोली है, इसने ये बोला है कि ये पॉइंट है ना, अब ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ये ए बी लाइन है, इसको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करी, ये लाइन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू नाइन, माइनस नाइन इक्वल टू जीरो लिख लो, बात वही है। क्लियर, ये लाइन इस रेशियो को, इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड, अब अपना पॉइंट है वो कहाँ चला जाएगा, इस लाइन पे। अब बताओ ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि लाइन के बारे में बात करता तो ऐसे ही करते थे अपन, लाइन को सेटिस्फाई करवाना चाहिए, तो ये पॉइंट क्या कर दो, इसको सेटिस्फाई करवा दो, तो थ्री इंटू टू के प्लस वन अपॉन के प्लस वन प्लस, है ना, वाई क्या है सेवन के प्लस थ्री अपॉन के प्लस वन माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। क्लियर, अब क्या करो, इधर एलसीएम ले लो या फिर कुछ भी, कि नाइन को उधर भेज देता हूँ ऊपर, नीचे एलसीएम ले लेता हूँ, के प्लस वन एलसीएम आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स के प्लस थ्री प्लस सेवन के प्लस थ्री इक्वल टू नाइन। क्लियर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सिक्स के प्लस सेवन के थर्टीन के, थर्टीन के प्लस ये कितना आ जाएगा सिक्स, और उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थर्टीन के प्लस सिक्स अपॉन अपॉन की वो उधर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ नाइन के प्लस नाइन। ठीक है, के प्लस वन को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, थर्टीन के प्लस सिक्स, देख लेना एक बार कैलकुलेशन, यार कैलकुलेशन इतनी माथा फोड़ी कौन करेगा, 4k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया डियर 3/4, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी 3:4। कहने का मतलब है कि कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट मान लो जो वो गिवन है उसको सेटिस्फाई करवा दो, वो लाइन पे बोला है तो लाइन पे सेटिस्फाई करवा दो, एक्सिस पे बोला तो एक्सिस को सेटिस्फाई करवा दो। क्लियर, अगला क्वेश्चन, अब देखो ये वाई एक्सिस का आ गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वाई एक्सिस के लिए बोल दिया, तो वही बेटा अपना ए बी पॉइंट, मतलब सेम क्वेश्चन है, कुछ इतना नया नहीं है, 1.3
माइनस 13 कॉमा माइनस 6, ये बोला पी पॉइंट। किस रेशियो में डिवाइड करेगा? के रेशियो वन में। इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये को। तो बताओ क्या कोऑर्डिनेट जीरो होने चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए? माइनस 13 के प्लस 1 अपॉन के प्लस 1 कॉमा माइनस 6 के प्लस 3 अपॉन के प्लस 1। अब बताओ इसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए? ठीक है, तो आपको बोलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, तो ये x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाना चाहिए क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जीरो कॉमा वाई। क्लियर? तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, माइनस 13 के प्लस 1 ठीक है अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो आपका k आ जाएगा 1 अपॉन 13। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1 अपॉन 13। अब कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि वो पॉइंट भी बताओ। तो देखो ये तो जीरो आ गया, अब k की वैल्यू इसमें रख दो तो ये पॉइंट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन उसमें भी बना सकता है, इसमें है ना, ये तो जीरो आ गया और ये जीरो आ गया, अब इसमें k की वैल्यू रखो तो ये पॉइंट मिल जाएगा, तो ये कुछ जीरो होगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, तो वो पॉइंट भी निकालने के लिए बोल सकता है। क्लियर? चलो अब बोला है कि ए बी को, ये लाइन ए बी ठीक है, बोला कि पी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने जो इस पे लाई करता है ठीक है। रेशियो आपको नहीं गिवन है ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट है माइनस टू कॉमा माइनस टू, बी के कोऑर्डिनेट है टू कॉमा माइनस फोर। अब देखो रेशियो अपना ए पी अपॉन पी बी होता है, बट उसने दिया है ए पी इक्वल टू 3/4 इंटू ए बी। क्लियर? बट अपने को रेशियो में क्या चाहिए? ए पी अपॉन पी बी। अपने को रेशियो क्या चाहिए? ए पी अपॉन पी बी कितना होगा? क्लियर? अब देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज ए पी अपॉन ए बी निकाल देता हूँ, वो कितना है 3/4। मतलब इसका मतलब डियर ये हुआ कि ए पी सपोज 3x है तो ये कितनी है टोटल 4x, इसका मतलब ये ठीक है, ये 3x है तो ये कितना हुआ 4x। तो बताओ ये 4x है ये 3x है तो ये कितना होगा 1x। डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया, उससे कोई अपने को लेना नहीं, डायग्राम अपन ने रफली बनाया तो रफली बनाया, मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है ठीक है। तो अब बताओ ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया? ये आपका ए पॉइंट रह गया, ये आपका बी रह गया, ये किस रेशियो में हो गया? 3/1। पी यहाँ लिख लेता हूँ 3/1। इसके कोऑर्डिनेट पता है माइनस टू कॉमा माइनस टू और ये है टू कॉमा माइनस फोर। अब बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो पी के कोऑर्डिनेट है ना, इतना तो कर लेना आप कि कर लूँ यार। चलो 3 को मल्टीप्लाई करा तो 6, 1 को करा तो माइनस टू अपॉन 4 कॉमा 3 को करा तो माइनस 12, 1 को करा तो माइनस टू अपॉन 4। क्लियर? सही है ठीक है। पी ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4 यानी 1 हो जाएगा कॉमा, ये हो जाएगा माइनस 14 अपॉन 4 यानी माइनस 7/2। कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, कुछ गलती हो तो देख लेना। क्लियर? तो ऐसे आप कैलकुलेशन में तो क्या ही बताऊँ मैं, उसमें तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो जाए, आप देख लेना। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कभी कभी ये रेशियो डायरेक्ट नहीं देता है। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये रेशियो अपने को डायरेक्ट नहीं दिया तो अपन ने ऐसे ही निकाला। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान है। ये तो देखो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया इसने, ए है 1.2, बी है पी क्यू आर एस। क्लियर? अब इसको किस रेशियो 5 डिवाइड किया तो 1 1 1 1 1 इक्वल हो गया ठीक है। ये हो गया, ये 6.5 हो गया 6.7। क्लियर? सपोज मैं क्या करता हूँ, बीच वाला कोई पॉइंट निकाल सकते हैं, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, एस दो बार है ना ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे डियर। तो सपोज मैं क्यू पॉइंट निकालता हूँ पहले ठीक है, क्यू के लिए बात करता हूँ, तो ये देखो ए बी क्यू किस रेशियो में होगा? देखो क्यू 2:3 में, क्या रहेगा 2:3 में ठीक है। तो क्यू निकाल देना आप बड़े आसानी से ना, निकल जाएगा, मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन मैं कर नहीं रहा हूँ ठीक है, क्यू निकल जाएगा। सिमिलरली मतलब मैं ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है सर, इसलिए बता रहा हूँ, ए बी को लेता हूँ, इस बार मैं आर निकाल देता हूँ, आर क्या होगा डियर 3:2 में ठीक है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप आर निकाल दोगे ठीक है। अब बताओ, अब पी और एस को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखो पी और एस है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, पी है वो इन दोनों का मिड पॉइंट, तो पी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ
ए कॉमा क्यू, और एस क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ आर कॉमा बी। ठीक है, तो ए ऐसा अपने पास हो जाएगा, तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मैं करने वाला नहीं हूँ अब, ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें, आप आराम से कर लेना, क्लियर। चलो इसमें वापस देखो, इसमें बोला है एक पॉइंट P है, एक Q है, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है 2, -2, Q का कोऑर्डिनेट है 3, 7। अब बोला है कि एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 24/11, y, ठीक है। तो ये बोला है कि ये फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये पॉइंट कहाँ है देखो, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन, इस लाइन को डिवाइड भी कर रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मेरे को पता नहीं ये पॉइंट कौन सा है, मैं k=1 मान डालता हूँ। तो मैंने यहाँ p पॉइंट निकाला, बड़ा आसानी से रे, k से मल्टीप्लाई किया, तो 3k+2/k+1, 7k-2/k+1। इसमें अपन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाले, बड़ा आसान से निकल जाएगा, क्लियर। अब देखो ये भी p है और ये भी वही p है। अब देखो इसका x का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 24/11। पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें अपने को x का या y का कोऑर्डिनेट जीरो था, यहाँ जीरो नहीं है, तो 3k+2/k+1 को कितना कर दो आप, 24/11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 33k+22 = 24k+24, इधर सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 6 और 9k = 2, तो k की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/9। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9 यानी 6/9, 6 एंड 18, 4, ठीक है। अब k की वैल्यू 2/9 है, अब अपने को y पूछा है, और y किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो अपने को y निकालना है, तो y के लिए वैल्यू पुट कर दो, तो y इक्वल टू क्या है डियर, 7k-2/k+1, क्लियर। ऐसा ही कुछ था ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ठीक है, वैल्यू कुछ पुट गलत तो नहीं करी, ठीक है। अब k की वैल्यू कितनी आई थी, 2/9 आई थी, वो पुट कर देते हैं इसमें, तो k आपको ये मिल जाएगा y इक्वल टू 7 × 2/9 - 2/2/9 × +1, तो नीचे तो आपका वापस 11 ही आएगा, क्लियर। ऊपर ये 9 कर दिया, कैलकुलेशन कर देना, 18 - -4 आएगा, ठीक है, 14 - 18 - 4 आ जाएगा, -4/11। बाकी कैलकुलेशन तो बड़ी इजी है, आप आसानी से कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन अपने को एग्जाम में भी मिलता है, ये इसने डियर पैरेललोग्राम दिया है, क्लियर। अब इसने क्या बोला है, दो डायगोनल मैंने बना दिए इसके, ठीक है, ये था, ये आपका ए बी सी डी ले लिया, क्लियर। इसने देखो इसके एक्सट्रीम एंड ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इज थर्ड वर्टेक्स देन द फोर्थ वर्टेक्स, ठीक है, कि बोला है कि दो कोई पैरेललोग्राम के एक्सट्रीम एंड बोले है, इसने ना, आर द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द डायगोनल, ठीक है, तो कोई दो एक्सट्रीम एंड है, क्लियर, -3, -4, -6, 5, क्लियर। उसके बाद बोला है कि इसकी एक जो थर्ड वर्टेक्स है वो है -2, 1, फोर्थ वर्टेक्स आपको फाइंड कर, क्लियर। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसा क्वेश्चन 100% होगा ही, क्लियर, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। चलो अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को पता बहुत से बच्चे तो ये ट्राई करेंगे, सर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते, बट बहुत लंबा हो जाएगा, बट इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, क्लियर, दोनों के जो डायगोनल है ना वो बाइसेक करते, मतलब ये है ना इन दोनों का मिड पॉइंट होता है और इन दोनों का भी मिड पॉइंट होता है, मतलब AC का भी मिड पॉइंट वो है और BCD का भी मिड पॉइंट क्या है ये। अब D को मैं मान लेता हूँ x, y,
क्या मान लेता हूँ x कॉमा वाई। अब देखो मिड पॉइंट निकालता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी निकालता हूँ, आएगा तो अपने पास ओ ही, ओ मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या कैसे निकालते हो मिड पॉइंट, अपन एवरेज निकाल देते तो 3 - 6/2, -4 + 5/2। तो देखो ओ के कोऑर्डिनेट आया ना डियर, वो आया देखो -3/2, -1/2, ये आएगा ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट इस बार इसका निकाला ना, इस बार बीडी का निकालता हूँ ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ मिड पॉइंट ऑफ बीडी, क्लियर, बीडी का मिड पॉइंट निकालता हूँ, आएगा वो भी ओ ही, बट ओ में क्या आएगा, जो दूसरी वैल्यू जो होगी वो आएगी, तो क्या आएगी ओ की वैल्यू एक्स प्लस कितना था -2/2, -y + 1/2, क्लियर, ये आएगा ओ। अब देखो ये भी ओ है, ये भी ओ है, तो मतलब ओ और ओ क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो मतलब ओ इक्वल टू ओ कर दिया, तो ओ इक्वल टू ओ करा तो देखो क्या होगा, x - 2/2 + y + 1/2 = -3/2, -1/2, ऐसा ही कुछ था मेरे हिसाब से ठीक है। अब देखो ये इसके इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल कर दो, क्लियर, तो x - 2/2 किसके इक्वल होगा, -3/2 से 2 से 2 गया, x इक्वल टू आ गया -1, क्लियर। सिमिलरली y + 1/2 क्या होगा, 1/2, 2 से 2 गया तो y कितना आ गया 0, तो आपको जो फोर्थ वर्टेक्स होगा वो क्या मिलेगा आपको, -1, 0, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब क्या होता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, क्या होता है तीन वर्टेक्स तो वो दे देता है और चौथा वर्टेक्स पूछता है, अब वो तीन वर्टेक्स देने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है कि वो कौन सी वर्टेक्स दे रहा है, यहाँ पे ये तीन दे दी ठीक है, ये तीन दे दी, ये पहले इन्हें क्या बोला एक्सट्रीम एंड है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट क्वेश्चन का नेचर ऐसा ही रहने वाला है कि मिड पॉइंट के जो थ्योरम है, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलूँ, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है, उसी को यूज़ करा जाएगा, क्लियर। चलो अब क्या बोला है कि इसने बोला है कि एक क्यू पॉइंट है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, -6, 5, और एक आर पॉइंट है, बोला है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, a/3, 4 ठीक है मिड पॉइंट। अब देखो इन दोनों से मैं मिड पॉइंट निकालता हूं क्या होगा, देखो -6, -2/2, 5 + 3/2, तो देखो ये किसके इक्वल आया, -4/2 यानी -8/2 यानी -4, 8/2 यानी 4, यह है। अब देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्लियर बात है, तो सेम होने चाहिए, तो देखो ये y कोऑर्डिनेट तो सेम आ गया, तो x कोऑर्डिनेट को सेम कर दो, a/3 = -4, तो a इक्वल टू आ जाएगा डियर 12, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ b ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। ये देखो ये क्वेश्चन वैसे तो मैं लास्ट में लेता था, बट मेरे को लगा कि अभी अपन ने रिसेंटली पढ़ा हुआ है ये चीज़ें, तो अभी इसको कवर अप कर लेते ठीक है। तो आज अपन ने थोड़ा सा इतने कुछ क्वेश्चंस देखे, आपने जो पुराना सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है उसको यूटिलाइज करना सीखा होगा, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इसी चैप्टर का, वो है आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकाल देंगे, क्वाड्रिलेटरल भी निकाल देंगे, कोई भी फिगर होगा सबका निकल जाएगा उसमें, तो ठीक है ट्रायंगल का निकालना सीख गए तो उसके बाद मैं कोलिनेटी की कंडीशन भी बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, तो वो आपको ट्रायंगल के एरिया के फॉर्म में बताऊंगा, वो अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।